हेलो दोस्तों, मैं हूं पंकज जोशी। आज मैं आपको दिखाने वाला हूं घर के आसपास जो खेत हैं और उनमें लगी हुई सब्जियां। दोस्तों, ये वाला जो खेत है ना, इस खेत में तीन चार तरह की सब्जियां लगी हुई हैं। जैसे मान लीजिए पिनालू इसमें लगा हुआ है, उगल की सब्जी लगी है, मूली लगी हुई है। तो ये वाला जो पूरा खेत है ना, सब्जियों से भरा हुआ है इस टाइम पे। पिनालू के पत्ते कुछ इस तरह के हो गए हैं अभी, ये साइज़ मतलब मीडियम है इनका अभी, अभी ये और भी बड़े होंगे। और यहाँ पे जैसे ये मूली का पौधा है, ये वाला उगल का पौधा है। तो इस वाले खेत में तीन तरह की सब्जी है, गाबे वगैरह भी हैं इसमें, और पूरा खेत जो है ना ये सब्जियों से भरा हुआ है। और जो ये पिनालू के पत्ते होते हैं, दूर से देखने में लगता है जैसे कोई डिश एंटीना हो या फिर कोई छतरी हो। जब भी मैं पिनालू को देखता हूँ ना, मुझे तो छतरी और डिश एंटीना की ही याद आती है। और दोस्तों, इसके साथ में एक दूसरा खेत भी है, उसमें भी सेम यही सब्जियां लगी हुई है। मैं अभी आपको वो वाला खेत भी दिखाता हूँ। जैसे ये वाला खेत तो ऊपर है, इसके नीचे साइड में ये वाला खेत आप देखेंगे ना, तो इस वाले खेत में भी पिनालू, गाबा, उगल और मूली इसमें लगी हुई है। अच्छा, इस वाले खेत में जो मूली है वो थोड़ी बड़ी हो गई हैं अभी, मतलब उनके पत्ते वगैरह काफ़ी बड़े होने लग गए हैं। मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। जैसे आप ये देखना, मूली के पत्ते इसमें साफ आपको नज़र आ रहे होंगे और काफ़ी बड़े भी हो गए हैं ये पत्ते। तो ये वाला खेत भी जो है पूरे तरीके से सब्जियों से भरा हुआ है। और ये वाली सब्जियां एकदम प्योर हैं, मतलब इसमें कोई केमिकल वगैरह स्प्रे होता नहीं है पहाड़ों में, तो एकदम प्योर रहती हैं ये, ऑर्गेनिक सब्जी हैं ये, एकदम पौष्टिक रहती हैं। तो दोस्तों, यही था, मैंने सोचा यहाँ खेतों में जो भी आसपास सब्जी है वो भी आपको दिखाऊं। और ये यहाँ पे ना बांज के पेड़ हैं, यहाँ पे चारों तरफ जो है बांज के पेड़ हैं। तो जिस वजह से क्या होता है, यहाँ पे पानी की कोई ज़्यादा समस्या होती नहीं है, क्योंकि जहाँ पे बांज के पेड़ होते हैं तो उनकी जड़ों से जो है अपने आप पानी आता रहता है। तो इस वजह से यहाँ पानी की ऐसी कोई समस्या होती नहीं है। और इसके आसपास जो है और भी बहुत सारे पेड़ पौधे लगे हुए हैं। जैसे ये वाला पौधा जो पेड़ है ना, ये माल्टा का है। तो इसमें मौसमी वगैरह अभी तो इसमें लगने स्टार्ट हुए हैं, लेकिन तीन चार महीने के बाद वो आने शुरू हो जाएंगे। मतलब अभी तो लगने स्टार्ट हुए हैं, लेकिन बाद में वो बड़े हो जाएंगे। जैसे ये छोटा आप देख पा रहे होंगे, इसमें माल्टा लगना स्टार्ट हुआ है, ये सब चीज़ें। बाकी इसके आसपास में क्या है ना, फूल वगैरह भी काफ़ी है, मैं आपको वो दिखाता हूँ। जैसे ये वाला है दोस्तों, इसमें क्या है ना, ये पिंक कलर का फ्लावर है, काफ़ी अच्छा लग रहा था। तो अभी इसमें सिंगल ये फूल खिला हुआ है अच्छे से, बाकी अभी दो तीन और भी खिलने वाले हैं। मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। जैसे आप देख सकते हैं, एक फूल तो अच्छे से खिल गया है, दूसरा छोटा है अभी, वो भी खिल जाएगा कुछ दिनों के बाद। और ये इसके पत्ते कुछ इस तरीके से होते हैं, पत्ते काफ़ी बड़े रहते हैं वैसे इसके ना, काफ़ी अच्छा लग रहा है ये वाला फ्लावर। अब मैं आपको ये दूसरा फ्लावर दिखाता हूँ, पर्पल कलर का है, वाइट कलर का जैसा हल्का इसमें आ रहा है। और ये वाला भी काफ़ी अच्छा दिखता है, देखने में तो काफ़ी सुंदर लग रहा है ये। और इस वाले फ्लावर का भी साइज़ काफ़ी बड़ा रहता है और इसके अंदर छोटी छोटी पंखुड़ियाँ होती हैं। और दोस्तों, ये यहाँ पे टमाटर लगे हुए थे, ये देखो एक छोटा सा तसला है, उसमें टमाटर का पौधा लगा रखा है। और उसी के अंदर जो है ना, अभी कई सारे टमाटर लगने स्टार्ट हो गए हैं। जैसे यहाँ पे आप तीन देख पा रहे होंगे, लेकिन यहाँ पे चार है, मैं आपको जूम करके दिखाऊंगा। और कुछ टमाटर जो है यहाँ पे भी लगे हुए हैं इसमें। बस कुछ टाइम के बाद ये टमाटर जो है अच्छे से पक जाएंगे, फिर इसको खाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ पे भी जो है टमाटर इसमें लगने स्टार्ट हो गए हैं यहाँ पे भी। अब दोस्तों, ये मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, यहाँ पे ना चार टमाटर साफ साफ दिखेंगे इसमें, काफ़ी अच्छे लग रहे हैं टमाटर का। मतलब ऐसे अगर छोटे टमाटर को देखो ना, तो दिखने में तो काफ़ी सुंदर लगते हैं ये, और बढ़िया लग रहा है। ओके दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।